ये जस्ट अभी 10 दिन पहले इन्होंने बुझाया, जो कि बारिश के पहले इनको अच्छे से बनाना चाहिए। बार बार ये 10 दिन में ये खड्डे बुझाते हैं, 10 दिन में वापस, मतलब कितना गंदा काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर। इस तरीके से जितने भी ये बोगस कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। विरार में गंभीरता से नहीं ले रहे, उन्होंने बोला है कि ये तो मंत्री साहब के एरिया में भी है गड्ढे। ऐसे ही छोटे गड्ढे बन रहे लोगों के मुसीबत की जड़। हम फिर इसी मुद्दे को लेकर आपके सामने आए, जिसे लेकर महानगर पालिका अभी भी शांत बैठी है। कई राजनीतिक पार्टी और जनप्रतिनिधियों द्वारा आंदोलन किए गए, लेकिन महानगर पालिका द्वारा हमेशा आश्वासन दिया गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि महानगर पालिका गड्ढों को नहीं भरती है। पिछले एक महीने से वसई विरार शहर में महानगर पालिका गड्ढों को तेज गति से भर रही है, लेकिन नागरिकों का कहना है कि अभी भी कई जगहों पर गड्ढों को नहीं भरा गया है। और जिन गड्ढों को महानगर पालिका ने भरा है, वे एक बार की ही बारिश के बाद वे गड्ढे वापस जस्ट की तस अवस्था में मिलता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महानगर पालिका कैसे इन गड्ढों पर लीपापोती करती है, इस पर गौर डालते हैं। सड़क के गड्ढों को भरने के लिए या तो गड्ढों में मिट्टी भर दी जाती है, या फिर कहीं कहीं सीमेंट के ब्लॉक्स लगाकर सड़कों पर चकतियां लगाई जाती है। अब ऐसे में जब बारिश होती है, तब गड्ढों से सारा मटेरियल बह जाता है और जो सीमेंट के ब्लॉक है, उनके बगल से भी मिट्टी पानी के साथ बह जाती है, जिसके बाद सड़क की हालत दोबारा बिगड़ जाती है। खैर, ये तो सिर्फ शहर के सड़कों की हालत है। अगर मुख्य सड़क की बात की जाए, तो वहाँ पर भी आपको ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से नागरिकों को ट्रैफिक जाम जैसे समस्या का सामना करना पड़ रहा है और एक्सीडेंट के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं बीजेपी के बिजेंद्र कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी है। सेठ विद्या मंदिर स्कूल के सामने हूँ, वसंत नगरी का ये एरिया है और पूरे वसई विरार में गड्ढे की स्थिति बहुत खराब है। और वसई विरार में जिस तरीके से बोगस कॉन्ट्रैक्टर को ये लोग लेके यहाँ पे काम करा रहे हैं, जैसे कि स्कूल के छोटे बच्चे, जो महिलाएं यहाँ पे आती है बच्चों को लेके, काफ़ी सारे एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुके हैं। एक्सीडेंट जैसे कि इन्होंने खड्डे बुझाए नहीं अभी तक, जैसे आयुक्त साहब ने बोला था पिछले महीने में, जुलाई के महीने में गणपति के पहले पहले हो जाएगा, मगर गणपति के बाद भी हम लोग गए तो बोले कि हमारे को 5 दिन 7 दिन और दीजिए। सभी इंजीनियर को उन्होंने बुलाया, मगर उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग वापस से पत्र व्यवहार किए हैं अपने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री साहब रविंद्र चौहान जी को, हमने एप्लीकेशन दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि इनको फ़ोन किए कि जल्दी से जल्दी खड्डे बुझाए जाए, मगर अभी तक भी इनको जो बालों में कुछ भी जू तक नहीं रेंग रही है कि आयुक्त साहब को कुछ, जब तक कोई दुर्घटना बड़ी नहीं हो जाएगी जब तक इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज पूरे वसई विरार में बड़े बड़े 1.5 फीट के 1-1 फीट के खड्डे हैं और कुछ भी इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का। ने बोला था कि गड्ढे तो बहुत सारे एरिया में है। परसों ही हमारा बात आयुक्त साहब से, हमारे प्रतिनिधि जितेंद्र पाटिल जी उपाध्यक्ष है जो जिला के, वो गए, उन्होंने बोला कि खड्डे के ऊपर आपके वसई विरार में गंभीरता से नहीं ले रहे, उन्होंने बोला है कि ये तो मंत्री साहब के एरिया में भी है गड्ढे। ऐसा एक जो जवाबदार व्यक्ति है कमिश्नर साहब, ये ऐसा बोलते हैं, मतलब कितनी गंभीर विषय की बात है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने बोलना चाहिए हमको जल्दी से जल्दी करेंगे, ऐसा ऐसा जिस तरीके से बोल रहे हैं कि गड्ढे तो सब जगह पे है, मतलब ये भ्रष्टाचार है। खुद मैं बोलता हूँ, अनिल कुमार जो यहाँ पे कमिश्नर है, वो खुद भ्रष्टाचारों के साथ में मिलके ये गड्ढे नहीं बुझाना चाहता है। बार बार इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, बार बार पैसे, जो जनता के पैसे, जनता का टैक्स है, उनको बराबर सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि यहाँ के जो सत्ताधारी पक्ष के 3 आमदार हैं, जैसे कि नाला सोपारा में हमें अच्छा आमदार मिला है, जो सतीश ठाकुर युवा नेता बोलते हैं उनको, बहुजन विकास अघाड़ी का आमदार, यहाँ का प्रतिनिधि, मगर 5 साल में मैंने नहीं देखा है गड्ढे के लिए या आम जनता के लिए, गटर के लिए ढक्कन खुले हुए हैं, गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं, कोई स्कूल के बाहर पे इतनी दुर्घटना हो रही है, मगर उनका कोई भी ऐसा न्यूज में या कहीं पे भी वो आम नागरिक के लिए कोई भी सुविधा के लिए बाहर नहीं आए और कोई कमिश्नर से या कोई अधिकारी से बात करते हुए ऐसा कभी मुझे दिखा नहीं और जनता को भी नहीं दिखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये खड्डे हैं, ये जस्ट अभी 10 दिन पहले इन्होंने बुझाया, जो कि बारिश के पहले इनको अच्छे से बनाना चाहिए। बार बार ये 10 दिन में ये खड्डे बुझाते हैं, 10 दिन में वापस, मतलब कितना गंदा काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर। ये इंजीनियर नहीं देख रहे और कमिश्नर साहब को भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। इस तरीके से अगर गंदा काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर जो है, इनके बोगस को कॉन्ट्रैक्टर है और गंदा माल वापर रहे हैं यहाँ पे।
गंदा माल है पूरा, और डामरीकरण बिल्कुल भी इसमें जो सीमेंट और डामरीकरण मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरीके से जितने भी ये भोगस कॉन्ट्रैक्टर हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इनको यहाँ पे समझ में आएगा कि लोगों का टैक्स किस तरीके से पानी में जा रहा है। महानगर पालिका द्वारा बजट तो तैयार किया जाता है, लेकिन कितना काम हो रहा है ये आपकी आंखों के सामने ही है। महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वे जिसे काम दे रहे हैं उस पर ध्यान रखे कि काम सही से हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए साइली धाड़वे।